नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 15 प्रहेलिका। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान बहुत ही सरल तरीके से। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आप हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम। महिलाओं में नारियों में सबसे शांत कौन है, राजा को अभूत गुणोत्तम और सबसे गुणवान राजा कौन हुए। कम संज घान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा नदी कहाँ बहती है। के दार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में लीन रहता है। कम बलवंतम ने बाधती शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है। वृक्षाग्रवासी वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है। नेचे पक्षीराज, परंतु वह पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी नेचे शूलपाणी, तीन नेत्र वाला है परंतु भगवान शिव नहीं है। श्लोकांश युज्यत, अब हमको इनका मिलान करना है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, मृगातः सिंह पलायते। विद्वद् भी का सदा वंदः, अत्र एव उक्तम ने बुध्यते। ये तीन शब्द हैं, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम ने बुध्यते। कम संजघान कृष्णः, काशी तलवाहिनी गंगा। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही हैं उनके सामने आम यानी कि हाँ, और जो गलत हैं उनके सामने न यानी कि नहीं हमको लिखना है। सिंह करीणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को मारता है। आम। कातरो युद्धे युद्धते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध लड़ता है। नह नहीं। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृगात हिरण से उत्पन्न होती है। आम हाँ। मृगात सिंह पलायते, हिरण को देख करके शेर भाग जाता है। नह नहीं। कंस जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा। नह नहीं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाच इंद्र के लिए दुर्लभ है। आम, यहाँ पर आपको सही लिखना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 दिए गए हैं और ब्रैकेट यहाँ पर आपको 5 ही दिए गए हैं, तो इसके सामने आपको आम करना है यानी कि हाँ लिखना है। जयंत है कृष्ण से पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र है। नह नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। करिणाम कुलम, करिणाम प्लस कुलम, को अभूत कह अभूत। अत्रेव उक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। वृक्षाग्रवासी वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वग प्लस वस्त्रधारी। बिभ्रन्न बिभ्रत प्लस नह। क्वेश्चन नंबर 5, हमको यहाँ पर ये अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम लिखत। हमको यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, हमको बताना है इनका लिंग विभक्ति और वचन। करीणाम, ये पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। कस्तूरी, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ये शब्द है। युद्धे, पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन। सीमंतिनीषु, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम, पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन। शूलपाणि, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। शुक्रस्य, शक्रस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन। विलोम पदानि युज्यत, हमको विलोम शब्दों का मिलान करना है। जायते म्रियते, वीरः कातरः, अशांतः शांता। मूर्खई
विद्वद्भिः अत्रैव तत्रैव आगच्छति पलायते। अब देखो समानार्थक पदम चित्वा लिखत। समानार्थक यानी कि जिन शब्दों का अर्थ समान हो। करीणाम गजानाम, करी यानी कि हाथी, गज यानी कि हाथी। अभूत अभवत, वंदः वंदनीया। बुध्यते अवगम्यते, घटः कुंभः। संजघान अमारयत। ये थे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल तरीके से आपको करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।